नमस्कार, मैं पंडित कार्तिक गौर और आपका अपने YouTube चैनल रामश्री कुंडली दर्पण में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। और आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार हम संतों के दर्शन कराने में थोड़े लेट हो गए हैं, और मैंने जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको दिव्य संतों के दर्शन कराते रहेंगे। आज हम अपने वृंदावन से अलीगढ़ के जिले में एक प्यारे गाँव में कृतला गाँव में आए हैं। हमें पता चला है कि यहाँ दिव्य संत रहते हैं, वो बहुत अद्भुत हैं, तो आइए उनके दर्शन करते हैं। महाराज जी ठीक हो? और महाराज जी आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम घना नाम महाराज सुरस्ती सन्यासी। अच्छा महाराज जी, तो महाराज जी आप मतलब कब से रह रहे हो यहाँ पे, कब से सेवा कर रहे हो? मैं वैसे पहले आज जाता रहता था, आज भी आया हूँ, कुछ विरोध बनता मैं आज ही आया हूँ। अच्छा, ये तो खत्म करके ही सोए आश्रम को, मेरा नरोरा है गुरु स्थान। अच्छा। ये भी गुरु स्थान है। अच्छा महाराज जी, मेरे गुरु ने 85 आश्रम बनवा दे। अच्छा, जिला गाजी से लेकर के यहाँ तक। अच्छा महाराज जी, भागवत करते हैं गुरु, अब तो बुद्ध आ जाए। अच्छा, तो महाराज जी मतलब आपके अंदर संत बनने की प्रेरणा कब से जगी? मेरी संत प्रेरणा तो 17 साल की उम्र से ही मैंने गुरु दीक्षा ली। 17 साल की उम्र से ही? शादी हो गई, सब काम आ गए, खेती बाड़ी करते रहा, गृहस्थी भोगते रहे। अब कुछ समय ऐसी हुई कि कोई भाई भाई में मंचल पड़ गई, मैंने भी आया कि मत बैठो शादी में, फॉरम बच जाइयो, न मानो बच्चा, घर वाले बैठ गए, वो बैठ गए शादी में, उनके बाबा जी 30-35 साल। तो हम 2 बार गए पहले नंगा, जाते नहीं हैं। तो आपने मतलब वैराग्य अपना लिया है संसार जीवन को छोड़ के? हाँ। अच्छा महाराज जी, तो हमारे जैसे आपने संन्यास बनने की सोची, तो जैसे आपके घर परिवार वालों संसार के लोगों को पता चला हुआ, तो उन्होंने आपको रोका नहीं? या नहीं, 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 नहीं चले गए। तो 4-5 साल रहे हम जिला गाजीपुर, मेरे दादा गुरु तो आश्रम बनवा रखे हैं, हल्ला मच मर गए। अच्छा, फिर मैं ऐसी बात हुई, हमारा भाई है कमिश्नर, गैस प्यार था वहाँ, उसको पता लग गया, सुनो फोन कर दिया पूरे गाँव में, बीच में और हल्ला मच गया कि खत्म हो गए। चलो कोई बात नहीं, फिर अब गंगा पार हूँ मैं, तो बाबा जी फोन कर दो गाँव में, गाड़ी वाड़ी ले गए, घर वाले आ गए, वो ले गए अलीगढ़ में दिखा के, तो अरे मैं चलो मैं कभी बीमार हूँ, सांस को रोक बस यही है। तो महाराज जी, अब जैसे सांसारिक लोग हैं, वो हम चाहते हैं उनको आपके ऐसे दिव्य दर्शन, संतों के दर्शन कराते हैं, तो जो आने वाली ये हमारी पीढ़ी है जो भी है सांसारिक लोगों की, तो उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जिससे वो आगे बढ़ सकें? क्यों नहीं, भगवान का भजन करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, यही है, वो कुछ नहीं है बेटा, कन्हैया का नाम तो राधे कृष्ण। तो महाराज जी, जैसे कि अब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अब वो इतना मतलब मंदिर नहीं जा सकते या कुछ, तो मतलब भगवान की प्रेरणा अंदर से कैसे जगाएं? ऐसी जगह ही जैसे मैं कह रहा हूँ राधे कृष्ण, वही है, मतलब अपना भगवान को मानसिक रूप से वो करना है। हाँ, शिव का भजो, देव से भजो, सब आनंद नहीं, आनंद नहीं फिर तो क्या है, राधे राधे कहेगा जो वृंदावन में रहे वो। हाँ जी महाराज जी, मेरा आश्रम है, मेरे गुरु भाई रहता है गंगा किनारे, उनके सारे दो हैं, चार चरमन है, रहूँ वृंदावन हुआ। तो वृंदावन में रहेगा आप? मुझे तो वहाँ कहते हैं गंगावासी। अच्छा, गंगावासी कहते हैं आपको वहाँ पे। तो महाराज जी, जैसे आप संत बनने से पहले आपका क्या अनुभव था भगवान से, और अब क्या अनुभव है? अनुभव तो हमारा पहले से ही था, रेखा देखो हाथों में, जन्म जन्म में हम संत बने, जानते हो तो डेढ़ की सीधी थी। कमी रह जाते कोई संत बना देते हैं, कोई कमी हम में है जाए तो नरक में मुझ देते हैं, कहा है नदी बना देते भगवान जी। आनंद करो, कल्याण हो तुम्हारा। महाराज जी, मतलब आप खुद अपनी मतलब खुद अपने हाथ से सारा काम करते हो, भगवान की सेवा करते हो, और मतलब खाना वाला करते हैं? अच्छा जी,
दो तीन बच्चे रहते हैं, आचार्य हैं, भागवती करते हैं, तुम्हारा वो बोलने का वो भी करते हैं, जाकर पाठ पूजा। और वहाँ एक मरना को आसनधारी बना रखा हूँ, खतरे वहाँ काम करा रहे हैं आश्रम, हमारे ताऊ गुरु का आश्रम था वो बना रहे हैं। चलो भाई बना के छोड़ जाते, कोई संग ले जाते। और कुछ बस हम अपने दर्शकों को यही ऐसे दिव्य संतों के दर्शन कराते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको एक नए संत के दर्शन कराते हुए। राधे राधे। राधे राधे।